सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 3, जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है। यह ली गई है सोशल साइंस ज्योग्राफी से, और आज भी हम जिसके बारे में जानेंगे वह है सौर मंडल में पृथ्वी, यानी हमारी पृथ्वी, हमारा अपना ग्रह। हम उसके बारे में आज कुछ और बातें जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है पृथ्वी और चंद्रमा। देखिए यहाँ पर जो उसकी तस्वीर भी बना रखी है, अगर आप ध्यान से देखें, ये तो है पृथ्वी और ये है हमारा चंद्रमा, जिसे हम प्यार से चंदा मामा भी तो कहते हैं ना। पहले हम पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है और यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। और यह जो पिक्चर दिखाई दे रही है ना आपको, यह अंतरिक्ष से ही ली गई है, यानी अंतरिक्ष में भी हमारी पृथ्वी ऐसे ही नीले रंग की दिखाई पड़ती है। इसका कारण ही यही है कि इसकी जो 2/3 सतह यानी 2/3 भाग है वो पानी से ढका हुआ है, यही कारण है कि हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की, यानी अपने प्यारे प्यारे चंदा मामा की। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, और आप जानते हो कि यह पृथ्वी से 384,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। तो अब आपको समझ में आया कि इतना पास होते हुए भी, इतना पास दिखने वाला भी ये जो चंदा मामा है हमारे, ये पृथ्वी से इतनी दूर हैं और एक चक्कर लगाने में इतना समय लेते हैं। तो अब एक इसमें शब्द आया उपग्रह। अब हम समझेंगे कि उपग्रह किसे कहते हैं। उपग्रह कहते हैं, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और आपको याद है पिछली वर्कशीट में हमने ये बताया था कि ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यानी पृथ्वी, हम जैसे हमारी एक ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है और सूर्य के चारों ओर घूमती है ना, उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसलिए हम उसको उपग्रह कहते हैं। और फिर एक बहुत रोचक तथ्य है, वो क्या है, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। यानी ये जो नील आर्मस्ट्रांग थे, अमेरिका के थे, वो सबसे पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर सबसे पहले गए थे। और उसके बाद आपको एक और जानकारी दे दूं, हमारे भारत के भी श्री राकेश शर्मा जी 1984 में, 1984 में चंद्रमा पर गए थे, और ये हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो ये तो थे हमारे वर्कशीट के टॉपिक। चलिए अब हम अपने प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। अभी तो हमने बहुत अच्छे से बताया, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है, उपग्रह किसे कहते हैं या उपग्रह से आप क्या समझते हैं। तो ये भी अभी अभी हमने समझा, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
फिर तीसरा प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो ये हमने सबसे आखिरी में अभी पढ़ा कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। और फिर अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो चंद्रमा पृथ्वी से 384,400 किलोमीटर दूर है। तो मजेदार थी ना ये वर्कशीट, कितना मजा आया हमें पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में जानकर। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर जरूर जरूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।